नमस्कार आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूँ सिटू सिंह इस समय हम मौजूद हैं जो फॉरेस्ट डिवीजन अखनूर चौकी चौरा के अंदर हमने रात को भी एक खबर दिखाई थी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से कि किस तरीके से रात के 12 बजे सुंदरवनी रेंज ऑफिसर और उतन, उनके जितने भी वार्ड बीओ थे जो ब्लॉक ऑफिसर थे उन पूरी टीम के साथ कालीदार के जंगलों में मौजूद थे जहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते हैं और ना तो वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था थी ना ही किसी प्रकार के कोई साधन थे रात के 12 बजे वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे लेकिन उसी के विपरीत अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डी एफ ओ और रेंज ऑफिसर को सल्यूट कर रहे थे लेकिन आज यहाँ पर दुख हो रहा है कि रेंज ऑफिसर जो अखनूर और डीएफओ जम्मू हैं आखिर वो क्या कर रहे हैं इन रेंज ऑफिसर अखनूर और डीएफओ जम्मू की वजह से सुंदरवनी के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं जान जो जोखिम में क्यों डाल रहे हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जब हम जम्मू से चलते हैं कालीदार एक रेंज है एक बाउंड्री है जो जम्मू की बाउंड्री है कालीदार से उधर का एरिया जो रेंज नुशारा में आता है उससे इधर का एरिया रेंज जम्मू और अखनूर में आता है लेकिन जहां पर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की, की कि क्या जहां पर अखनूर के रेंज ऑफिसर आए क्या उन्होंने आग बजाने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि जहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला क्योंकि हमने तो अगर हम भी जहाँ पर मौके पर आए हमें नहीं मिला लेकिन रात को बारह बजे हम जब कालीदार की पहाड़ियों के अंदर पहुँचे उन जंगलों के अंदर पहुँचे तो सुंदरवनी के लगभग अस्सी के करीब जितनी भी टीम थी वो वहाँ पर लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि दृश्य दिखाएं आपको बता दें कि अगर रेंज ऑफिसर चाहें तो इस आग को रोक सकते हैं और कालीदार का जितना जंगल है वो बच सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वो शायद अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं इस समय भी अगर आप बात करें इस समय तो जो राकेश वर्मा रेंज ऑफिसर फिजर सुंदर वनी हैं वो भी इस समय कालीदार के जंगलों में हैं आप उनका कहना था जब उनसे बातचीत की कि हम बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं और वहाँ से हम जो घास वगैरह पड़ा है उसको साइड कर रहे हैं ताकि हमारे एरिए में आग ना आए क्योंकि हमें एक ही डर है जो अखनूर की तरफ से आग आ रही है वो हमारे जंगलों को तबाह करेगी उनकी जितनी भी आग थी उन्होंने रात को अपनी आग पर काबू पा लिया था उसके बाद फिर सुबह से यहाँ So, अखनूर के जंगलों से जो रेंज ऑफिसर अखनूर के अंतर्गत आते हैं वहाँ से आग निकल कर के जंगलों में चली गई आखिरकार दोनों ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं क्या रेंज ऑफिसर अखनूर का यह कर्तव्य नहीं बनता कि आप अपनी टीम भेजकर इस आग को रोका जाए सुंदरवानी के अगर बात करें तो कल रात को सुबह हमें पता चला कि चार कमर कर्मचारी इस समय हॉस्पिटल में हैं क्योंकि रात को आग से सुलझने के कारण उनको शरीर में काफ़ी गंभीर तरीके से उनको आग के जो छीटे लगे जिसके कारण उनको बेहोश हो गए और सुंदरवनी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया लेकिन उसके बाद बताएं कि 12 बजे फिर से उनको उन जंगलों में भेज दिया गया क्या अखनूर के रेंज ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी क्यों नहीं मिल रहा उनका फ़र्ज़ है कि इस आग को जहाँ पर रोका जाए और जो लोग जहाँ पर आग लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए अगर सुंदरवनी और डीएफओ एफ रेंज ऑफिसर सुंदरवनी राकेश और डीएफओ एफ ओ मैडम को अगर हम सल्यूट करते हैं उसी के विपरीत यहाँ पर हम खेद भी व्यक्त करते हैं कि आखिरकार डीएफओ जम्मू और रेंज ऑफिसर अखनूर का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि इस आग को रोका जा सके उनके द्वारा ये प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा ये आपको बताना होगा आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत